अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। पाकिस्तानी शोबज में कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो 40 साल से भी ज़्यादा उम्र के हैं, मगर आज भी इतने फिट, इतने स्मार्ट हैं कि अपने से कई साल छोटे अदाकारों को भी खूबसूरती में पीछे छोड़ देते हैं। इन्हीं में एक नाम कभी मैं कभी तुम ड्रामे में मुस्तफ़ा के बड़े भाई का किरदार करने वाले इस हैंडसम एक्टर अमाद अरफानी का शामिल है, जो इस वक्त 44 ईयर्स यानी 44 साल के हैं, मगर इतने प्यारे, इतने हैंडसम हैं कि पूरी टीम इनकी खूबसूरती की तारीफ करती है। बहुत से ड्रामा फैंस तो ड्रामों को इतना सीरियस लेते हैं कि ड्रामा देखकर दुखी हो जाते हैं, इतना दिल से देखते हैं, रोते ऐसे हैं जैसे ये सच में कहीं पर हो रहा है। मगर दूसरी जानब ड्रामा सेट पर एक ऐसा मजाक वाला फनी माहौल रहता है कि कैमरा बंद होने के बाद ये एक्टर्स एक साथ खूब इंजॉय करते हैं। बेशक ड्रामों में जितना भी जुल्म दिखाया जा रहा है, खुद तो ये अदाकार सेट पर इतना मजाक, इतना इंजॉय करते हैं, मगर ड्रामा देखने वाले रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेते हैं। जी हाँ, इसी का नाम एक अच्छा ड्रामा, एक अच्छी एक्टिंग है जिसमें फैंस गुम हो जाएं। कभी मैं कभी तुम ड्रामा सेट पर भी ऐसे ही लम्हात देखने को मिले जिसमें मुस्तफ़ा शर्जीना और अदील एक साथ इंजॉय कर रहे हैं। अदील ने गाड़ी में बैठकर सीन शूट करवाना था, मगर मजाक मजाक में डायरेक्टर को बता रहे हैं कि गाड़ी में ये मसला है, जबकि फहद और हानिया अपनी बाइक पर मौजूद हैं, एक दूसरे से खूब हंसी मजाक कर रहे हैं। ये ड्रामे में तो मुस्तफ़ा और अदील की आपस में बनती नहीं है, मगर सेट पर हंसी मजाक देख कर कुछ फैंस ने ये कॉमेंट्स किए हैं, खुद तो इतना इंजॉय करते हैं और लोगों को पर फैंस को बहुत ज़्यादा दुखी कर जाते हैं। पास जो लोग होते हैं, फैंस वगैरह, इनसे मिलते तक नहीं। तो फ्रेंड्स, यही तो खासियत होती है इन ड्रामा एक्टर्स की, ये अपनी डाइट को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होती हैं और डाइटिंग तो इनका पैशन है, क्योंकि ये खाने पीने में भी बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती हैं, क्योंकि अगर ये लोग फिट होंगे तो ड्रामास में बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग देखे जाएंगे और ये लोग जितने ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे उतने ही ज़्यादा इनके फैंस होंगे। और शर्जीना तो वैसे ही इतनी क्यूट और इतनी प्यारी है। फिलहाल तो इस ड्रामे में मुस्तफ़ा और शर्जीना की जोड़ी भी बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर अदील और रुबाब की जोड़ी को भी साथ ही साथ बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा। काफ़ी फैंस ने तो ये भी कमेंट किए हैं कि इस ड्रामे में जो फहद के भाई का किरदार अदा कर रहे हैं, ये तो हमें कोई तुर्की के हीरो लगते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये हमारे पाकिस्तान के ही हीरो हैं जो हमारे ड्रामास में आपको नज़र आते हैं। अभी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।